छिन्न भिन्न हो गया है, और ऐसे पुरानी गाड़ी पे चढ़ेंगे जिससे इधर से पेट्रोल निकल रहा है, उधर से डीजल निकल रहा है, उधर से मोबिल निकल रहा है, पहिया पहिया अलग हो गया है, उसमें क्या हो आग लग जाएगी। जबरदस्ती चलाने की कोशिश करेंगे, आग लग जाएगी, और उसके साथ साथ जनधन का भी क्षति होगा। बुद्धिमान यही में है, इसी में है, कैसे पुरानी चीजों को हम सब छोड़ के जो अभी नया आया है, पूरा लेटेस्ट हो के आया है, जो 10 वर्ष से पूरा का पूरा सड़क पे टेस्ट दिया है कि नहीं, इस देश को अगर कोई चला सकता है तो जनमत पार्टी है, अनेक वादा व्यवधान के बावजूद भी चला सकता है तो जनमत पार्टी का एक टेस्ट जो आया है वही जनमत पार्टी को चयन करना है, और उन्होंने वही जनमत पार्टी को चयन किया है, तो उन्होंने सही निर्णय लिया है, तो जनता भी अपना सही निर्णय लेने के लिए पूरा का पूरा तैयार है। ये मैं सबसे पहले ही अनुरोध करना चाहता हूँ और इसके लिए शुभकामना बधाई भी देना चाहता हूँ। दूसरी बात है कि अपनी अपनी भूमि जो है बारा की, मैं बार बार कहता हूँ, और मैं तो सबसे पहले यहाँ पर आया था जब मैं अमेरिका में ही था, तब इतिहास लिखने के क्रम में आया, क्योंकि मधेश का इतिहास का कोई किताब तक नहीं था। मधेशी लोग सब मंत्री बन गए, बड़ा बड़ा आंदोलन हुआ, सैकड़ों मधेशी मंत्री भी बन गए, शहादत भी दिए, लेकिन फिर भी एक इतिहास किताब तक मधेश का कोई नहीं लिख पाया। हम जब उस किताब लिखने के लिए यहां पर आए थे तो मालूम पड़ा कि यह सिमरौनगढ़ सभ्यता कितना समृद्ध सभ्यता है, जो बारा की सभ्यता है, यह सिमरौनगढ़ सभ्यता जो नानदेव से लेकर हरि सिंह देव तक का जो राज्य हुआ करता था वो कितना समृद्ध है, जिसका ऐतिहासिक चीज आज भी मिलता है प्रमाण, तब जाके हमको पता चला था। और मुझे बहुत ही गर्व होता है जब भी इस भूमि पे आता हूं, और आप मेरे अंतर्वार्ता देख लीजिए, किताबों में देख लीजिए, कोई भी तर्क में देख लीजिए, क्योंकि यही हरिसिंह देव जी थे, यहाँ के राजा थे बारा के सिमरौनगढ़ के, जो जाके नेपाल पे विराज किए, उस समय भी नेपाल पे बार बार आक्रमण करके नेपाल को जीतने का क्षमता रखते थे, वह सिमरौनगढ़ है, वह सिमरौनगढ़ है ये जो बार बार नेपाल पे हमला करके वहां पे शासन कायम किया था, और आज भी देखते वहां पर जो है कलेजु भवानी का जो मंदिर कहता है ना काठमांडू में, वो यहीं से ले गए थे, यहाँ पर जो तुलजा भवानी का मंदिर है वही को उठा के वहां पर यहाँ के राजा जाके स्थापित किए थे, जो आज कलेजु भवानी के मंदिर से जाना जाता है। वहां पर जो मल्ल सभ्यता है काठमांडू में वो कहीं और नहीं है, यही के राजा जाके वहां पर जो शासन किए वही शासन यहाँ से शासन किए थे। इसीलिए वह सिमरौनगढ़ जो पूरे नेपाल पर विजय हासिल करते थे, पहले पूरे इस दक्षिण एशिया में इसका सभ्यता प्रख्यात था, जो पूरे यहाँ के गिर्द गिर्द के राजा सिमरौनगढ़ के राजा से रिश्ता बनाने में गर्व करते थे कि जिस तरह भी इससे परिचय हो जाए, सिमरौनगढ़ के राजा से थोड़ा सा परिचय तक हो जाए, इसके लिए ललायित रहते थे गिर्द गिर्द के राजा, बंगाल तक के राजा। वह सिमरौनगढ़ आज इतना बंजर नहीं हो गया है कि निर्वाचन में एक उम्मीदवार नहीं दे सकेंगे और अपने लाल को छिपा नहीं सकेंगे। वह आज सिमरौनगढ़ इतना नाकाम नहीं हो गया यहाँ का लोग, जो किसी विदेशी को, किसी बाहरी लोग को, किसी दूसरे जिला के लोग को आके यहाँ पर नेतृत्व देना पड़ेगा, इतना बंजर वह भूमि नहीं हो गया। और हमने उस कलैया की सभा में वो वादा किया था यहाँ पर उम्मीदवार होगा, यही के मिट्टी का लाल होगा, बारा का लाल होगा, और आज वो दिखाई दिया है श्री चंद्र कुशवाहा के रूप में, हम सब अपना उम्मीदवार उतार दिए हैं। तो अब ये आपको अपना लाल मिला है, इस मिट्टी का लाल मिला है, आपको अपना अवसर मिला है, वो अवसर आप जुगा पाते हैं या किसी को कहेंगे नहीं हम तो भाई काम लायक ही नहीं है, हमारे यहां तो चलाने वाला नहीं है, हम सब असक्षम है साबित करके किसी दूसरे को मौका देंगे, या सोचने का पत्ता आप सबके हाथों में है। इसीलिए मैं सावधान शुरू से कहना चाहता हूं, वह कलंक आप अपने सिर पे मत रखिएगा, जो सिमरौनगढ़ का नाम पूरा इतिहास में रोशन है उसको इस बार कलंकित तो होने नहीं दीजिएगा, और हर हाल में यही के मिट्टी को लाल को जिताइएगा। मैं आज ये आह्वान करना चाहता हूं।
और बाहर के लोगों को क्यों जिताया? क्योंकि मैं दूसरा उदाहरण देता हूं। मान लीजिए यहां पर बाढ़ आ गया, जब यहां पर बाढ़ आ गया जिसका घर यहां पास में रहेगा वो ना चिंतित होगा, वो दौड़ते दौड़ते आएगा कि नहीं भाई चलो मेरा घर भी तो बाढ़ में नहीं चला गया, या यहां पर कोई महामारी ही फैल गई, कोरोना फैल गई या कुछ दूसरा ही महामारी फैल गया, तो सबसे पहले चिंता किसको होगा? जिसका घर यहां पर है, इस क्षेत्र में जिसका घर है उसको डर होगा, चलो भाई मेरे क्षेत्र में महामारी फैल गया तो चलो उसको रोकते हैं, नहीं तो क्या होगा, मेरा घर परिवार मर जाएगा, मेरा पड़ोस पड़ोस मर जाएगा। तो सबसे पहले इस क्षेत्र के विषय में चिंता उसी को होगा जो इसी क्षेत्र के है, इसी बाहरी उम्मीदवार को नहीं हो सकता। और यही कारण है कि यहां पर विकास नहीं हो सका, क्योंकि हम सब बाहर को लोगों को जिताते हैं, उसको तो कोई फिक्र ही नहीं रहता, उसको फिक्र क्या होगा, कोई यहां के है कि नहीं, यहां पर बाढ़ भी आ गया तो उसका क्या जाता है, वो तो काठमांडू में बैठा रहेगा ना, यहां पर महामारी में मर भी गया तो उसका क्या जाता है, वो तो काठमांडू में बैठा रहेगा, क्या वो अपना घर में बैठा रहेगा, मोरंग में बैठा रहेगा, इससे यहां उसको क्या लेना देना रहेगा। इसीलिए हर हाल में अगर अपना रखवाला चुनना है वो इसी मिट्टी का लाल, इसी क्षेत्र का लाल होना चाहिए। यह बात आप सब एकदम स्पष्ट रहिए, एकदम स्पष्ट रहिए। और दूसरी बात है, मान लीजिए आपको 5,000 रुपया साफ्टी भी देना है किसी को, वोट की बात तो छोड़िए, 5,000 रुपया साफ्टी देना है तो किसको देंगे? जो मोरम से आगे जिसको जानते पहचानते नहीं उसको दे देंगे, कि जिसका घर आपके घर के बगल में है, आप जानते कि हमारे ही गांव में उसका घर है, उसको देंगे? किस पर भरोसा करेंगे? जिसका घर आपके गांव में है उसी को आप 5,000 रुपया दे भी सकते हैं। क्यों देंगे? कहेंगे भाई ये भागेगा कहां, कल पैसा लेना पड़े उसके घर पे जाके डोका तलाश करेंगे, लेकिन जिसका घर है यहां पर नहीं उसको कहां खोजने जाएंगे? वो तो एजेंट की तरह आएगा, फिर पैसा लेगा, फिर फरार हो जाएगा। तो जब 5,000 रुपया के लिए भरोसा नहीं ऐसे लोगों पे कर सकते हैं, अपने बाल बच्चा और 5 वर्ष का भविष्य के लिए ऐसे तिरंगी लोग पे हम सब कैसे भरोसा कर सकते हैं? वो तो एजेंट की तरह आएगा, फिर लेगा, फिर गायब हो जाएगा। जैसे मोरंग जिला का बासी साहब तो वोट दिए थे, आज भी तलाश कर रहा है कि कहां भाग गया भाई, वोट देकर तो तुमको ही जिताए थे, कहां भाग गया? फिर सुनसरी जिलावासी भी तलाश कर रहा है, फिर सप्तरी जिलावासी भी तलाश कर रहा है कि एक से एक को ठगे, किसी को छोड़ा नहीं, किसी को छोड़ा नहीं, सके बाप को भी वो छोड़ा नहीं ठगने के लिए। तो बारावासी कौन सी चीज, एक एक करके ठगते 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 भाग रहा है, तो ठगते ठगते यहां तक भी आ गया, यहां भी ठग के भाग जाएगा, फिर तो आप सब देखते रह जाएंगे। इसीलिए कम से कम पाठ पढ़ लेना है, सीख लेना है कि नहीं भाई लगानी भी करना है, यही के लाल में लगानी करना है, ताकि कल